नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्डम के सही इस्तेमाल करने की। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कॉन्डम इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉन्डम इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लें। धोने के बाद ही आप अपने कॉन्डम के पैकेट को खोलें, और खोलने के बाद दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कभी भी कॉन्डम को जो है गर्म जगह पर ना रखें, धूप में मत रखें। कब हमेशा कॉन्डम को जहाँ भी आपको स्टोर करना हो ठंडी जगह पे रखें और रूम टेम्परेचर पे रखें। कभी भी ऐसी जगह ना रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही हो। और दोस्तों, कॉन्डम यूज़ करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ज़्यादातर लोग बताते हैं, बोलते हैं कि हम जब कॉन्डम यूज़ करते हैं तो कॉन्डम फट जाता है। तो दोस्तों, कॉन्डम जब कंपनी बनाती है तो कॉन्डम बनने से पहले उसकी बहुत कई बार टेस्टिंग की जाती है। कॉन्डम जब बनता है तो उसको काफ़ी बड़े एक पैनल पे चढ़ाया जाता है, जैसे कि एक लिंक का आकार पैनल होता है, उस पे कॉन्डम को चढ़ाया जाता है और काफ़ी अच्छे से उसको टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों, कॉन्डम जल्दी से फटता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हम जब कॉन्डम यूज़ करते हैं तो फट जाता है। तो दोस्तों, वो फटता क्यों है, किस वजह से फटता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम कॉन्डम को खोल लेते हैं, और खोलने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि कॉन्डम को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप कॉन्डम खोलोगे और खोलने के बाद आपको मैं एक बार और बता दूँ, बहुत से लोग जो है कॉन्डम पहनने से पहले अपने लिंग पे तेल लगा लेते हैं या जेल लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना करें, कि कॉन्डम के अंदर पहले से ही काफ़ी ऑयल और लुब्रिकेंट होता है, तो आपको एक्स्ट्रा अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, जब भी कॉन्डम को आप खोलेंगे, खोलने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जो आगे का हिस्सा होता है, ये इस तरीके का जो ये हिस्सा होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही पकड़ के और अपने लिंग पे चढ़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे पकड़ के अपने लिंग पे चढ़ा लोगे तो क्या होगा, आगे का जो ये हिस्सा है इसमें क्या एयर भर जाएगी, और एयर भरने के बाद जब आप सेक्स के दौरान ज़्यादा तेज़ से धक्के मारोगे तो ये आगे का हिस्सा फट जाता है। उसी दौरान कॉन्डम फटता है, क्योंकि इसमें एयर रह जाती है। और फिर उसके बाद ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई कॉन्डम अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फट गया है। तो दोस्तों, वो फटता इस वजह से है क्योंकि आपने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों, जब भी कॉन्डम पहने, आप आगे के हिस्से को ऐसे दबा के अच्छे से, और दबा के फिर अच्छे से अपने लिंग पे चढ़ाएं और ऐसे करके खोलें। जब इस तरीके से आप दबा के और लिंग पे चढ़ाओगे इस तरीके कॉन्डम को, तो आगे वाले हिस्से में एयर नहीं भरेगी, और उससे क्या होगा दोस्तों, कॉन्डम फटेगा नहीं और आप अपने सेक्स को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, और आपको कोई डर भी नहीं रहेगा कि कॉन्डम फट गया है, जिससे कि बच्चा वगैरह ठहर जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से सही से इस्तेमाल आप करोगे कॉन्डम का तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, कॉन्डम यूज़ करने के बाद उसको तुरंत जो है डस्टबिन में फेंक दें, और फेंकने के बाद अपने लिंग को अच्छे से धो लें, और दोबारा कॉन्डम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कॉन्डम का जो है इस्तेमाल एक ही बार किया जाता है। अगर आप दोबारा धो के दोबारा से आप कॉन्डम का यूज़ करोगे तो आपको जो है इन्फेक्शन वगैरह का खतरा हो सकता है। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप कॉन्डम को पैकेट से निकालोगे, निकालने के तुरंत बाद उसका इस्तेमाल करें, और अगर आपने ऐसा नहीं करा और रख दिया है तो उसका इस्तेमाल ना करें। क्योंकि दोस्तों, जब आप सेक्स के दौरान कॉन्डम खोलते हो और खोलने के बाद आप अगर कुछ देर के रख दोगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो आप जब भी यूज़ करें तुरंत ही यूज़ करें। अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो कॉन्डम को फाड़ के बाहर मत निकालें, जब भी निकालें जब आपको तुरंत उसी टाइम जो है यूज़ करना हो। तो दोस्तों, ये कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कॉन्डम यूज़ करने से पहले, और मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्डम फटता क्यों है। इसी वजह से फटता है, जब आगे एयर भर जाती है इसमें तभी फटता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कॉन्डम यूज़ करोगे तो आपका कॉन्डम कभी नहीं फटेगा, और आप जो है अपने सेक्स को एंजॉय कर पाओगे अच्छे से, जो है आप जो है अपना सेक्स का जो कार्यक्रम है अच्छे से कर पाओगे, और आपको बच्चा ठहरने का भी किसी चीज़ का भी डर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आपको अगर कुछ और किसी इंफॉर्मेशन की या कॉन्डम से रिलेटेड कुछ आपको कोई जानकारी चाहिए, आपकी कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।